आपको बुलाया है कि उसकी ज़ारा आपकी का मैसेज मैंने भी देखा है, मैसेज आया है कि ना वो गिर गई सीढ़ियों से, 10 सीढ़ियाँ शायद गिरी है, तो इतनी होती हैं 12-13 सीढ़ियाँ घर में, तो अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने स्पेशल दुआ के लिए कहा नायाब इंशाल्लाह दुआ ज़रूर करेगी और बाद में भी करेगी, अभी भी करेगी बाद में भी करेगी, अल्लाह आपको शफा दे, कोई नज़र लग गई है आपको ज़ारा को सदका दे, अपना अल्लाह पाक सेहत और ज़िंदगी दे। तो नायाब आप अपनी ज़ारा आप ही के लिए दुआ करें बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी दुआ करो आप नीचे करो, नीचे आप करो, जरा पीको से दे, जरा पीको सुना दे, जरा पीको से दे, उनकी तकलीफ दूर करो, दूर करे, दूर करे उनकी तकलीफ, दूर करे, दूर करे, आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह सबको अपनी, सबको अपनी, अपनी अमान में रख, अमान में, अल्लाह पाक सबको शफा दे, अल्लाह शफा सबको, सबको ज़रा आपकी को भी, ज़रा आमीन, 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 आमीन। सेहत दे परवरदिगार, आपको जैसे स्पीच प्रॉब्लम है उससे बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इंशाल्लाह ये फिर भी दुआ करेंगी, ज़रूर दुआ करेंगे, वो तो आपसे बहुत प्यार करती है, उसे पता चल गया कि कोई आती है मेरी जो केयर करती है, मेरा ख्याल करती है, तो उसको याद रह जाती है ये बात, ये बातें बोलते नहीं हैं ये बच्चे, कोई भी बात कहीं किसी जगह गए हो, किसी बंदे ने उनसे प्यार किया हो, प्यार से बात की हो, ये सब याद रखते हैं। अल्लाह पाक अपना फजल करे आप पे, करम करे परवरदिगार, और हर आने वाली मुसीबत को जो है ना दूर करे, आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी नायाब आई हैं अपनी ज़ारा आप ही के लिए दुआ करने, मैंने अभी उनका मैसेज देखा है कि उन्होंने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता करे परवरदिगार, उनको सेहत दे, कोई नज़र ही लग जाती है उनको बेचारी आदमी बीमार रहती हैं, तो नायाब इंशाल्लाह दुआ करेंगी, नेक्स्ट भी करेंगी, मैं भी जब भी नमाज पढ़ूंगी दुआ में याद रखूँगी सबको, अल्लाह पाक से तो जिंदगी दे, नायाब ज़ारा आप ही के लिए दुआ करो, इसको छोड़ दे तो रख दो तो ठीक है अल्लाह तन ठीक करे, देखेंगे यहाँ पे हम दुआ कर रहे हैं और ये मिलने के लिए आ गए, पहले मुझे मिल रहा है, जा रहा है, अभी हम बेगम को मिल रहा है, बस तन ठीक है, अल्लाह बच्चा दे, मिल जाएगा बेटा दे अल्लाह, बस मिल जाएगा बकरा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, ठीक है, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये छोटा बच्चा खेल रहा है बैलून से, ये रात को गए थे बाहर घूमने फिरने खाने पीने के लिए और वहाँ से बैलून ले आया और पूरी रात नहीं सोया, जिद से लाया है, गुस्सा इतना करता है अगर लेके ना दे तो फिर इनसे डरता है, पूरी रात ये सो नहीं सका, हालांकि इनको वेंटिलेशन में हमने निकाला हुआ था बाहर, उसके बावजूद ये नहीं सोया, सारी रात नहीं सोया, सुबह ये 10 बजे तक बैठा रहा यहाँ पर, बार बार इसको सुलाती थी फिर ये उठ जाता था, इसी तरह से जिद इसकी बकरे के लिए वैड़े के लिए चल रही है जो हम नहीं लेके आ रहे, इसलिए कि ये सोता नहीं है, जब तक वो घर में होंगे इसलिए सोना नहीं है और पृथ्वी खराब होती है, जब वो दबा होंगे फिर तब ये सुकून से 2-3 दिन सोया रहेगा, कहता है कहेगा चले जान छुट्टी, जैसे जिबा होना है ना, हाँ फिर उसके बाद इसने सो जाना, हाँ जान, इधर देखे सलाम करें, इधर सलाम करो बेटा, देंगे ना, पहले कंप्लीट करवा, अस्सलाम वालेकुम, वो
उन्हें वाला हसीब अस्सलाम वालेकुम तो होता उन्हें वाला हसीब इधर उन्हें वाला कह रहा है अच्छा ठीक है अस्सलाम वालेकुम ऐसे हाथ हिला हाथ अस्सलाम वालेकुम यू करना कैसे हो हसीब ठीक हो इधर सही पूरी नहीं है ना अभी ये नाश्ता करके तो 11 बजे के बाद सोएगा तो कुछ मेरे घर में 2-3 घंटे सो लिया इसने जब इसे आवाजें आती है ना कि सारे लोग हैं आवाजें आ रही है घर के अंदर फिर ये सो जाता तसल्ली हो जाती है इसको अभी फिर से मिले क्या मिला इरा को दिए हुए थे वो खुश हो रही थी तो ये उससे ले आया जब से है हसीब वो बारिश लड़ते हो डरते हो इनसे बैलून से डरते हो नहीं आप डरते हो नहीं तो रात सोए क्यों नहीं दुआ नहीं लाया मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ है मैं बार बार रूम में जा रहा था मैंने कहा वॉशरूम में उसके डर से वॉशरूम में भी नहीं जा रहा था मैं खड़ा रहा फिर वहाँ पे यूज किया वॉशरूम मैं गई हूँ तो बाहर वेंटिलेशन में थे मैं फिर वहाँ से ले ऐसे ऐसे देख रहा था चोरी चोरी से कहता हाँ इरा को दे दो ठीक है इसके बिल्कुल ना लेके देना मार्केट में से शोर ब्लॉग में आप देखेंगे एंड हुआ ब्लॉग में तो इसकी यही जिद थी कि मुझे वो लेके दो बच्चों वाला वैसे ही करता है कुछ चीजों में ना बिल्कुल वो दूध की बोतलों वाला और वाला खड़ा हुआ था ना तो उसको इशारा किया पीछे गुब्बारों वाला था कोई लस्सी दूध का ऑर्डर है मैं नहीं है ना भाई पीछे जो मिशन नजर आ रहा है गुब्बारे का वो लेगा इसे मिलने के लिए है मैम नायाब अस्सलाम वालेकुम करो नायाब अस्सलाम वालेकुम ये भी ना आगे बैठी है ना तो इनको नींद आ रही है ना ये भी रात को जागती रहती है ऊपर ये है ना कि ये दिन को अपनी नींद पूरी करती है सोई रहती है ज्यादा टाइम नींद पूरी होती है जब भी उठती है वैसे ही उठती है अभी ये नहाए हैं दोनों नहा के साफ सुथरे हो गए हैं नायाब जी रात को अच्छा लगा था बहुत अच्छा गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है अच्छा नहीं नहीं बाहर गए थे ना कुछ खाने के लिए रिफ्रेशमेंट क्या किए चिप्स खाए हैं और चाट खाए हैं चाट खाए हैं नहीं आप तो चाट पसंद करती है गोलगप्पे भी खाए हैं बर्गर भी खाए हैं ना इन्होंने बर्गर लेके भी नहीं दिया था बर्गर नहीं लेके दिया आप खाते नहीं हो ना बर्गर इन्होंने बर्गर लेके नहीं दी मैंने चिप्स और चिप्स राज ही सारे अपने अपने पॉकेट मनी लेके गए हुए थे और उससे उन्होंने कहा हमने बाहर खाना है अमेरिकन सिस्टम आज फिर भाई बच्चे तो बच्चे हैं जी यहाँ पे बड़ों को आज फिर भाई जाएंगे आज फिर भाई जाएंगे मैं आपका तो रोज दिल होता है बाहर जाना कोई गपशप लगाओ ना यार क्या गप लगा खाने पीने नहीं गप लगा नींद आई है क्या बक्सी आज उसको नींद आई है ना ये देखें जी जरा उस तरफ उसके ड्रामे देखें यहाँ बच्चे तो बच्चे बड़ों के ड्रामे ही खत्म नहीं होते हम भी तो बच्चे ही हैं हाँ इनको देखें इन बच्चों के साथ रहे कि ना अभी तक लगता बच्चे ही हैं हाँ ये बच्चे ही हैं जी इनके साथ जैसे ना अंदर ये बचपन की रुकी हुई है बचपन की नहीं जा रहे और किसी की रुके ना रुके तुम्हारी रुकी हुई है बचपन रही इसकी शरारतें इतनी इनसे भी ज्यादा है ये बहुत शरारतें करता है हमारी तो कोई नहीं है हमारा तो बचपन कहीं गुम हो गया है इन बच्चों के साथ ऐसे लगता है कि पैदा होते ही बूढ़े हो गए थे असीब एक भी ले तब भी नहीं सोता वो तो जब तक उड़ा ना ले उसको मैंने इसलिए लगा दिया ना मुझे नहीं पता कितना डरेगा मैं कह ये फिर आते सारे जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी के लिए मुकर के बाद इसने सारा जो किया कराया ना अभी यूज लैंग्वेज यूज करता है फिर इसलिए फिर तभी तो चुप करके आ गए अंदर टोर मनाई है इसने ना था वो किधर बंदा था अभी लेके नहीं आया बना रहा था खत्म कैंसिल हो गया प्रोग्राम नहीं लाना इस दफा लाना ही नहीं है खुश भी बड़ा होता है और डरता भी है उनसे चैलेंज होता है ना दिमाग में कि आ जाए फिर उसने बात तक की जाए हर दफा ही ऐसे करता है चैलेंज